कि बकरी के साथ साथ तेरा सर बात भी बोलने के। शांत सुनो, ये मेरा घर और मेरा कह रही है मेरी नजरों में वो हर प्राणी अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं, लेकिन हमारे बच्चों करवा सकते पाप नहीं, तो छोड़ दे इस मासूम जान। श्रवण ले जा तेरी भी मीरा करे ना कोकिला आओ की तरह खड़ा है, ले जा तेरी बहरी को। तो यहीं पर आज मैं अपने श्रवण जी मैं जब भी तो बता रही है जी मेरी पास गौरा क्या सेवा में हाजिर हो जाइए। नहीं आ रहेंगे माँ जगदम्बे। आओ मीरा। नहीं मीरा। मीरा गोपी बहू, क्योंकि अब मेरे दिल बड़ी और छोटी दोनों नकामी है। परिवार के बच्चे हैं किसी मेरी बहू लेकिन विद कर दिया कि वो मन भाई बेटी है। हम सब का सर तूने ये शुभ काम मेरी ही किस्मत है। पशु हत्या नहीं चलेगी। सूर्यवंशी चला उठो, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम तेरे बाप की है देखो। और अगर आपने इनकी बात नहीं मानी डालते की आते रहे। ज़ियाप और आपका ये पहलवान बेटा तराने हमें फोन करके बुला लिया। अगर आपने शुक्रिया इसने मुझे बताया, मेरी बीवी ने मुझे मैसेज किया क्या करना बैठे जीव हत्या रोकने के लिए बैठे लोग गोपी जी जैसा सोच अपना लें तो बहुत सारे हम आप लोगों को पुलिस के हवाले कर देंगे। का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग फौरन यहाँ चले कि जिसे नष्ट करने का हमें कोई अधिकार नहीं है जब इंसान सिर्फ इंसान प्राण लेगा। मैं आपकी बातें समझ में भी आ रही है, मैं इनकी ही भाषा में समझाना पड़ेगा। ए, रुक जाओ। ऊपर कालिख लगाई
बिहार को माता जी के आशीर्वाद में। अम्बे मात की। इसका बदला मैं लूंगी, मैं बलि चढ़ाऊंगी। छोड़ दे विद्या, छोड़ इस बकरी को। तलवार उठाया था बकरी को, चलो। मेरी बेटी ने हाथ में तलवार जरूर, इसीलिए इनको नहीं छोड़ते, इनको मारते। बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। इसके हाथों से ये घिनौना काम करवाने जा रहे थे ना, आपने किसी भी बेजुबान पशु की बोलो। हाय 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 हाय। देख गौरा, विद्या का मुंह काला किया ना, किया चप्पल की सुताई कर दी। अब तो सुधर जाओ गौरा, गौर से देख, रूप है कहीं ऐसा ना हो। तू कह रही है मुझे, तू बास मास। आज अगर करुणेश मामा जी और आपको एक बात, तारी तो की आत्मा को शांति, जब तक तू ये नफरत अपने दिल में बहुत बोल निकल गया। फकर से ऊंचा कर दिया है तू, भले ही मुझसे मुंह फेर, एक बात की तसल्ली तो हो गई, तेरा जिंदा है खुद विद्या। इसलिए उनका साथ। जय श्री कृष्ण। इन कमीनों ने जिंदगी भर याद रहेगा। मैं भी जा रहा हूं, तोड़ दूंगा, अभी जा रहा हूं मैं। अरे नहीं, क्यों बा? आ गया है शंख बजाकर। माताजी के विसर्जन के दिन और वो बलि बलि चढ़ाने के बाद ही होगा। गर्भो विसर्जन में विदिशा नजर नहीं आ रही है, कहाँ है वो? नए कपड़े खरीद लिए। आप कहें तो गैरेज से बाहर निकाल के। आज दशहरे का दिन है तो मैं और जी का तोलू मोलू कम से आओ, ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने इन्हें तोलू मोलू नहीं कहेगा। बराबर, हाथ धोकर सूट बूट पहनकर कहाँ चले? फिर दोनों हीरो के लिए एक अच्छी सी अहम दिकरा दिया है, दोनों पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और हम सब का सर अहम दिकरा जिगर ने ऑफिस घर का सारा काम अच्छी तरह। माँ जी, आपने जो रास्ता दिखाया है धूरे। गोपी बिल्कुल बेटा, आज कर गोपी गर्भ का विसर्जन कर सके। वैसे पूजा भी अकेले कर ली। ऐसा नहीं कहते, तुम गर्भोद्यापन की विधि करो। चलो
इसी तरह बनाए रखे। पूजा की सब कितने खुश है, खुश रहे मैं पूरी हुए बगैर ही चली जा। ये क्या बात हुई कोकिला, जीवन भी सवर जाएगा। आवश्यकता नहीं है, तुम दोनों को ऑफिस में इतना है। उर्मिला बहन की आवश्यकता होगी तो तुम लोगों को बुला लेंगे। ऑल द बेस्ट। बेस्ट। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अच्छे शुभ दिन पर समधनी टेढ़ी लोग के सामने मेरी बेइज्जती की कर रही हूं, क्योंकि मैं अंत की शुरुआत, अंत की कुछ खास होने वाला है। क्योंकि हो कि गौरा सूर्यवंशी, देख मना मत करना, हमें आपका यानी का मजाक करने की कोशिश भी की और वो भी आपकी बेइज्जती ना हो जाए इस बात। फिर देखते हैं किसके चालू करे पर शुरुआत। खुद चैन से जीती है ना, हमें जीने देती आखिरी है। वो गौरा सिर्फ और सिर्फ तरस से हूँ गौरा को, उससे मुंह तोड़ जाऊं। आज घबराहट में जाए, आप ऐसे कमजोर पड़ जाएंगी तो कैसे आखिर ये सब करके वो विसर्जन के बाद मीरा और विद्या और विद्या के खिलाफ कुछ भी करें। आप देने के लिए मैं काफी हूँ। आप इतनी भावुक क्यों हो रही हैं? उनके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते, तो वो जरूर कुछ ना कुछ करेगी। गौरा क्यों ना माता रानी के विसर्जन